आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 5 पंचायती राज, वीडियो क्रमांक 1। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो चर्चा एवं निर्णय लिए हो उनका रिकॉर्ड रखना। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हेडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हेडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी में पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपम्प और गहरे कर देते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। इतना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां भी बनाई थी। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर खुसर होने लगी। नटर ने हाल ही में तो एक रंगीन टीवी खरीदा है और उसकी बेटी ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे से ये कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? इसके पास इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ग्राम पंचायत संपूर्ण गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके
इससे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती हैं, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों को ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के कई घर कई बार गया पर हर बार उसके ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास के कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यह चित्र महाराष्ट्र के दो पंचों का है जिन्होंने सन 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्राम पंचायत के कार्य सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं बनाना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती हैं, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है ग्राम सभा क्या होती है। दूसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत के तीन कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं। धन्यवाद।